तो 1500 रुपए के अंडर में ओप्पो एंको बर्ड्स मेरे पसंदीदा TWS थे अभी तक। इसमें बैलेंस साउंड क्वालिटी मिल जाती थी, साथ में इसके लुक्स भी काफी बढ़िया थे। परंतु हाल ही में मैंने Realme Buds Air 3 Neo ट्राई किया और इन्होंने भी हमें बहुत अच्छा अनुभव दिया है, चाहे म्यूजिक क्वालिटी की बात कर लें, चाहे हम कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें। और इसकी वीडियो जब डाली थी मैंने, तो आप में से बहुत से लोगों ने मुझे बोला था कि भाई ओप्पो एंको बर्ड्स के साथ एक कंपैरिजन चाहिए आपको। और फिलहाल मेरे पास ओप्पो एंको बर्ड्स नहीं थे, तो मैंने फटाफट से भाई फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, एक दिन में आ भी गया। वैसे तो आपको इनकी वीडियो कल ही मिल जाती, परंतु मुझे फीवर आ गया तो उसके कारणवश मैं वीडियो शूट करने में असमर्थ रहा। ये वैसे ही लग रहा है ना जैसे पहले स्कूल में अवकाश पत्र लिखते थे, प्रार्थी को ज्वर आ जाने के कारण विद्यालय आने में असमर्थ है, है ना, ऐसे लिखते थे ना। तो वैसा ही कुछ है हमारे साथ। खैर, इन दोनों की म्यूजिक क्वालिटी से ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि म्यूजिक क्वालिटी के बारे में ही आप में से बहुत से लोग जानना चाहते थे, क्योंकि भाई ओप्पो एंको बर्ड्स इस प्राइस पे बहुत बढ़िया साउंडिंग TWS है। यहाँ पे यदि मैं लाउडनेस की बात करता हूँ ना, तो लाउडनेस में रियलमी बेटर निकल जाता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम एनहांसर का फीचर भी मिलता है। ये रियलमी लिंक ऐप को सपोर्ट करते हैं ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब यदि मैं बेस की बात करता हूँ ना, तो बिना कोई ट्वीक किए हुए ओप्पो का बेस मुझे स्लाइटली टाइट लगा। मैंने कुछ बेस हैवी पंजाबी सॉन्ग्स भी सुने और भाई इसका बेस मुझे थोड़ा सा टाइट लगा, परंतु Realme में आप बहुत सारी चीजें ट्वीक कर सकते हैं मैन्युअली। जैसे कि Realme Link एप्लीकेशन के अंदर ये तीन प्रीसेट मिल जाते हैं, बेस, बूस्ट, प्लस में भाई बेस इसका बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। तो मात्र Realme Link ऐप से ट्वीक करके आपको बेटर बेस मिल जाएगा। और नॉर्मल मोड में भी आप यदि गाने सुनते हैं ना, तो Realme में ज्यादा बैलेंस्ड म्यूजिक क्वालिटी दी गई है। इसमें अच्छे बेस के साथ साथ ट्रेबल फ्रीक्वेंसीज को भी किल नहीं किया गया है। और यदि मैं ओप्पो एंको बर्ड्स से इसकी तुलना करता हूं ना, तो Realme में ट्रेबल फ्रीक्वेंसीज को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। और एक बात, वोकल्स भी ज्यादा क्रिस्प मुझे Realme Buds Air 3 Neo में लगे। परंतु एक और बात बताना चाहूंगा आपको, Realme में Dolby Atmos साउंड का सपोर्ट भी मिलता है। अब ये बात गौर करने वाली होगी कि आपके स्मार्टफोन में भी Dolby Atmos साउंड सपोर्ट करना चाहिए, तभी ये फीचर आपके काम आएगा। हमारे पास ये Redmi K50i था, इसमें Dolby Atmos मिलता है, और Dolby Atmos ऑन करते ही उसके कुछ इक्वलाइजर्स को इनेबल करते ही साउंड एक्सपीरियंस और ज्यादा एनहांस हो जाता है। बिना Dolby Atmos के भी ये अच्छे साउंड करते दिखे, परंतु Dolby Atmos के बाद एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। अब कुछ लोग कहना है कि ओप्पो एंको बर्ड्स में भी Dolby Atmos का सपोर्ट मिल जाता है। इनफैक्ट मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक किया ना, तो वहां पे भी लिखा था, परंतु ओप्पो के ऑफिशियल बॉक्स में और ओप्पो के ऑफिशियल प्रोडक्ट पेज में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि ओप्पो एंको बर्ड्स Dolby Atmos साउंड को सपोर्ट करते हैं। और जब मैंने प्रैक्टिकली टेस्ट किया ना, तो Dolby Atmos के कुछ प्रीसेट्स को इनेबल करने के बाद Realme बहुत बेटर साउंड करते हैं इन कंपेयर टू ओप्पो एंको बर्ड्स। जब Dolby Atmos को ऑफ करके टेस्ट करते हैं ना, तो साउंड का जो अंतर लगा हमें वो मतलब 19-20 का था साउंड क्वालिटी का। हां, Realme Link में जो बेस बूस्ट प्लस मिल जाता है, साथ में वॉल्यूम इनहेंसर मिल जाता है, वो डेफिनेटली साउंड क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव कर देता है। बट Dolby Atmos इनेबल करने के बाद मुझे Realme में बेटर साउंड एक्सपीरियंस मिला। और इन दोनों TWS को मैंने इसी फोन से कनेक्ट करके टेस्ट किया है, और ये फोन Dolby Atmos सपोर्टेड है। और यदि हम म्यूजिक ड्राइवर्स की बात करते हैं ना, तो ओप्पो में 8mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलते हैं और Realme में 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलते हैं। और ये जो म्यूजिक ड्राइवर्स होते हैं ना TWS या ईयरफोन्स में, ये भी स्मार्टफोन्स के मेगापिक्सल जैसे ही है, नंबर गेम चलता है भाई बहुत ज्यादा। कई बार आपने देखा होगा कि 13mm या 16mm के म्यूजिक ड्राइवर्स भी आपको उतना अच्छा अनुभव नहीं देते हैं। तो मात्र ये चीज देख के आप कोई TWS या ईयरफोन ना खरीदा करिए। जैसे ओप्पो एंको बर्ड्स 8mm के साथ भी अच्छा साउंड करते हैं, और ये 10mm के साथ भी बहुत अच्छा साउंड करते हैं, और ये दोनों ही TWS AAC ऑडियो कोडिंग को सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस के लिए और जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसमें ऐप सपोर्ट और Dolby Atmos की, उसके लिए ओप्पो की अपेक्षा Realme मुझे बेटर लगा। और अपने टेस्टिंग के दौरान ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने इसे Dolby Atmos के साथ ही टेस्ट किया है। हां, एक और फोन से भी कनेक्ट करके टेस्ट किया था, मतलब बिना Dolby Atmos के। वीडियो यदि आपको अभी तक अच्छी लग रही है, थोड़ा को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे आप लोग जो भी डिमांड करते हैं ना कमेंट करके, तो पूरा प्रयत्न करता हूं कि आपको वीडियो दी जाए समय पे। अब हम करते हैं कॉल क्वालिटी टेस्ट। ये माइक टेस्ट कर रहा हूं, अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ये Realme Buds Air 3 Neo से आ रही है। यहां पे मैं इंडोर्स में बात कर रहा हूं, कुछ इस प्रकार की ऑडियो क्वालिटी इसमें आती है। हमने आउटडोर्स में भी टेस्ट किया और वहां पे भी हमें कोई समस्या नहीं लगी। और अब जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ये ओप्पो एंको बर्ड्स से आ रही है, और मैं सेम जगह बैठा हुआ हूं और सेम टोन में बात कर रहा हूं, तो इसकी माइक क्वालिटी कैसी है वो भी आप सुन सकते हैं। और ये वाला साउंड ओप्पो एंको बर्ड्स से आ रहा है, और मैं यहाँ पे आउटडोर्स में आया हूँ, तो बच्चे खेल रहे हैं भाई, तो यहाँ पे नॉइस कैंसलिंग कैसी है वो आप सुन सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। और यहीं पे सेम लोकेशन पे अब Realme Buds Air 3 से आवाज आ रही है, तो इसका भी आइडिया लगा सकते हैं कि बैकग्राउंड नॉइस किस तरह से इसमें आपको सुनने को मिल रहा है। तो इंडोर आउटडोर सबका टेस्ट करके मैंने दिखा दिया, अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई कॉल क्वालिटी किसकी अच्छी है। अब यदि बिल्ड की बात करते हैं, तो प्लास्टिक बिल्ड है दोनों में, ओप्पो में ग्लॉसी फिनिश है, इसमें मैट फिनिश है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना
हल्का सा ट्रांसलूसेंट है, बाकी ग्रीन एलईडी नोटिफिकेशन लाइट मिलती है दोनों में। रियलमी लॉन्ग स्टेम वाला है और ओप्पो ये बड स्टाइल में है। यदि हम आईपी रेटिंग की बात करते हैं तो ओप्पो में IP54 मिल जाती है और रियलमी में IPX5, तो यहाँ पे भी रियलमी स्लाइटली बेटर है। और यदि आपने मेरी TWS की कोई वीडियो पहले देखी हो तो मैं उसमें भी यही बोलता था कि भाई ये वाला स्टाइल जो है ना मुझे उतना पसंद नहीं आता, पॉकेट में रखने में ना दिक्कत होती है, चुभते हैं, जबकि मेरा प्राइमरी TWS ये OnePlus Buds G2 ही है, परंतु पॉकेट फ्रेंडली ये रियलमी बड्स एयर 3 या एयर 3 नियो लगते हैं। परंतु हाँ, ये एक व्यक्तिगत पसंद हो सकती है और ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं लगता मुझे। दोनों ही TWS में ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है। एक बार कनेक्टिविटी टेस्ट कर लेते हैं, रियलमी को ओपन किया, इतनी देर में कनेक्ट हुए। अब ओप्पो को ओपन करते हैं, ओप्पो थोड़ा जल्दी कनेक्ट होता है। दोनों में गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट नहीं मिलता और दोनों में ही डिवाइस स्विचिंग वाला फीचर भी नहीं मिलता, डुअल पेयरिंग का फीचर भी नहीं मिलता। वैसे इस प्राइस रेंज के TWS में आपको ये वाले फीचर्स नहीं मिलते, परंतु बहुत से लोग पूछ रहे थे तो हमने कहा बता दिया। गेमिंग के लिए दोनों में ही लो लेटेंसी मोड मिल जाता है और कुछ गेम वेमिंग करके हमने देखी भी, जब गेम मोड ऑन करते हैं ना दोनों में तो कैजुअल गेमिंग करने में हमें दोनों में कोई समस्या नहीं लगी और ऑडियो वीडियो डीसिंक वाली समस्या भी हमें नहीं लगी। अब रियलमी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि ये रियलमी लिंक एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे इसके अंदर जाके ना ये सब ट्विक कर सकते हैं, बताया ही था, गेम मोड यहां से भी इनेबल कर सकते हैं और बटन्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये वाली वीडियो मैंने कल अपलोड करी थी, बट वहां पे एक चीज मैं बताना मिस कर गया था और वो ये थी कि ओप्पो एंको बड्स भी ये हे मेलोडी एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। हालांकि इसमें आप गेम मोड ऑन कर सकते हैं और बटन्स के कंट्रोल्स को सेट कर सकते हैं, जबकि रियलमी लिंक में कुछ साउंड प्रोफाइल्स भी मिल जाती है, कुछ प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं। हां, एक बात बताना चाहूंगा, जो टच कंट्रोल है ना वो मुझे ओप्पो का बेटर लगा। ओप्पो में टच एरिया थोड़ा बड़ा है ना, तो थोड़ा आसानी पड़ती है टच वच करने में। बैटरी की बात करते हैं ना तो रियलमी क्लेम करता है 30 घंटे का प्ले टाइम, वहीं पे ओप्पो क्लेम करता है 24 घंटे का प्ले टाइम, तो यहाँ पे भी रियलमी थोड़ा सा आगे निकल जाता है। हालांकि ओप्पो एंको को हमने टेस्ट किया था तो ये 22-23 घंटे इजीली चल जाते हैं एक चार्ज में, केस और बड्स जब फुल चार्ज हो जाते हैं। तो रियलमी को अभी इस प्रकार में टेस्ट नहीं कर पाया हूं, परंतु टेस्टिंग चल रही है और अभी तक बैटरी बैकअप इसका भी बहुत अच्छा लगा है। और एक बात, जब मैंने वीडियो कल अपलोड किया था तो प्राइसिंग कुछ और थी, अभी थोड़ा अलग हो गई है दोनों TWS की। ओप्पो एंको बड्स हो चुका है 1799 रुपए का और रियलमी बड्स एयर 3 नियो भी अपनी ओरिजिनल प्राइसिंग पे आ चुका है जो कि 1999 रुपए है। तो अब जो प्राइसिंग का गैप है वो भी मात्र 200 रुपए रह गया है। अब ओप्पो का भी साउंड सिग्नेचर मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे TWS हैं ये भी, और अभी तक मैं ओप्पो को ही प्रेफरेंस देता था, बट इसमें जो एडिशनल फीचर्स मिलते हैं वो डेफिनेटली म्यूजिक एक्सपीरियंस को और एनहांस करते हुए दिखे हमें। हाँ, यदि आपका डिवाइस, आपका फोन डॉल्बी एटमॉस रहेगा ना, तब आपका अनुभव इनके साथ और बेटर होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि ओप्पो एंको बड्स और रियलमी बड्स एयर 3 नियो के लिए जो भी डाउट रहे होंगे आपके हृदय में वो क्लियर हो गए होंगे। एक बात बताएं, लेकिन ओप्पो एंको बड्स का नाम थोड़ा अच्छा लगता है ना, रियलमी बड्स एयर 3 नियो बहुत बड़ा सा नाम है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, हम चलते हैं, हमारा दवाई खाने का टाइम हो गया भाई।